प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म और क्रांति यूट्यूब चैनल पर। मैं दिव्या राजपूत आज आपको मंगलवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। जय श्री राम। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन चला गया। वह पूजा के साथ हनुमान जी से एक पुत्र प्राप्ति की भी कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत करती थी और हनुमान जी से पुत्र मांगती थी, और मंगल के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, इस कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी तो हनुमान जी को भी भोग नहीं लगा सकी। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। लेकिन अगले मंगलवार से पहले ही वह मूर्छित हो गई। तब हनुमान जी की उसकी लगन और निष्ठा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तेरी इच्छा अनुसार एक सुंदर बालक का वरदान देता हूँ जो तेरी सेवा करेगा। हनुमान जी बाल रूप में दर्शन देखकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद ब्राह्मण वन से लौटकर वापस आया। प्रसन्नचित बालक को आंगन में खेलता हुआ देखकर अपनी पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है? तब ब्राह्मणी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यह पुत्र दिया है और इसका नाम मंगल है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने सोचा, ये दुष्ट औरत अपने पाप को छुपाने के लिए बहाने बना रही है। एक दिन उसका पति जब कुएं पर जल भरने गया तो पत्नी बोली, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और कुएं में गिराकर वापस आया तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तब पीछे से मुस्कुराते हुए मंगल आ गया, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से मंगल कुएं से वापस निकल आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण चकित हो गया। जब रात को स्वप्न में हनुमान जी आए और बोले, ये बालक मैंने तुझे दिया है और इसको ही तूने कुएं में फेंका। हनुमान जी को रुद्र रूप में देखकर ब्राह्मण उनके चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगी। तब हनुमान जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। वह बहुत हर्षित हुआ और उस दिन से दोनों पति पत्नी मंगलवार का व्रत करने लगे और अपना जीवन आनंद पूर्वक करने लगे। हे हनुमान जी, जिस प्रकार आपने ब्राह्मणी को सुंदर बालक का वरदान दिया और मंगल की रक्षा की, उसी प्रकार सबको सुंदर बालक देना और सबकी रक्षा करना, हमारी भी, सुनने वालों की भी और समस्त परिवार की रक्षा करना। जो भी हनुमान जी की इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा और दूसरों को भी सुनाएगा, उसके समस्त कष्ट हनुमान जी दूर कर देंगे। यदि आपको मंगलवार व्रत कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल धर्म और क्रांति